जब वो ट्रेन के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है, और जो जिंदा है वो बोलने की स्थिति में नहीं कि उनको काट दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो जीवित बच गए हैं गलती से, वो अपनी माँ के स्तन ढूंढ रहे हैं दूध पीने के लिए, लेकिन वो स्तन उनको मिल नहीं रहे हैं क्योंकि स्तन तक काट दिए गए हैं उनके। तो उस स्थिति में छेदी सिंह घबरा जाता है वो दृश्य देखकर, और छेदी सिंह जोर से चिल्लाता है कि घबराओ मत, अमृतसर आ गया है। और अचानक कुछ हाथ हिलने लगते हैं इस उम्मीद में कि अब शायद हम बच जाएंगे। तो इस पुस्तक में मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर उन लाशों में से एक भी लाश अगर बोल पाती तो वो यही बोलते कि बापू देखो, आपकी लाश पर तो नहीं लेकिन मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। तो जो बापू जो कहते थे कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, तो उनकी लाश पर पाकिस्तान नहीं बना, पाकिस्तान बना 30 से 50 लाख हिंदू और सिख लोगों की लाशों पर।